The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So दोस्तों जैसे हम बता रहे थे आपको कि कई लोग हैं जिनको एक अजीब सा सिम्टम होता है कि गले में कुछ फंसा है, गले के पीछे ऐसा लगता है कि बलगम आ रहा है, फंस रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ अटक रहा है, कर करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, खांसने की कोशिश करते हैं, कई बार खांसी आती है, कई बार ऐसा लगता है बलगम ही बलगम गाढ़ा है, मुझे बलगम ज़्यादा बन रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली ये नेजल डिस्चार्ज ही है या ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ही है, इसको कहते हैं PND, पोस्ट नेजल ड्रिप। जी हाँ, पोस्ट नेजल ड्रिप का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली एक कॉमन, वेरी कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को होती है और ऑलमोस्ट सबको हो चुकी है कभी ना कभी, किसी को लंबे समय रहती है और ये मुझे भी है, कई बार आपने मुझे देखा होगा करते हुए, गला साफ करते हुए, तो मुझे भी ऐसा लगता है पीछे से कुछ गिर रहा है, वो पोस्ट नेजल ड्रिप है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप समझ जाओगे अंत तक कि क्या है और डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब है कि आपके नाक के अंदर ग्लैंड होते हैं। क्या ग्लैंड होते हैं? म्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस ग्लैंड होते हैं नाक के अंदर, गले के अंदर, और जो लगातार म्यूकस बनाते रहते हैं। लगातार म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है इन्फेक्शंस को फाइट करना। आपके बॉडी के नाक के मेम्ब्रेन अंदर का जो चमड़ी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको मॉइस्ट रखना, गीला रखना, और कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आता है आपके मुंह के अंदर, आपके नाक के अंदर, तो उसको बाहर रोक के रखना, उसको अटका लेना ताकि वो म्यूकस में चिपक जाए। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरसेस को भी रोक सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर जो मॉइस्ट करके रख सकता है और फिल्टर आउट भी कर सकता है। सो ये तीन चीज़ें ये करता है। अल्टीमेटली आप क्या करते हो, ज़्यादातर केसेस में जो म्यूकस बनता है आपके नाक में, मुंह में, उसको आप स्वॉलो कर लेते हो बिना रियलाइज करे। बहुत कई सारे लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि आप स्वॉलो करते जा रहे हो, स्वालो करते जा रहे हो, निगलते जा रहे हो उसको, वो म्यूकस है, राइट? जब आपकी बॉडी थोड़ा एक्सेस म्यूकस बनाने लगती है तो ये आपको फील होता है कि गले के पीछे या नाक के पीछे जमा हो रहा है, राइट? आपको ड्रिपिंग डाउन सेंसेशन भी आएगा कि गले में कुछ गिर रहा है, इसे कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। बहुत कॉमन है ये। पोस्ट नेजल ड्रिप में आपको ये फील हो सकता है कि आपको बार बार गला साफ करना पड़ेगा, गड़ा साफ बार बार करने की फीलिंग आएगी, खांसी आएगी जो रात को बड़ी, रात को ज़्यादा हो जाएगी, रात को ज़्यादा हो जाएगी, या कभी कभी नौजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है जब म्यूकस ज़्यादा आपके स्टमक में जमा हो जाए, या कभी कभी आप ज़्यादा करेंगे तो गले खराच या स्टोर थ्रोट भी हो सकता है, यहाँ तक के बैड ब्रेथ भी आ सकती है इस चीज़ में। सो ये होता है PND। PND का कारण क्या, क्यों? बहुत सारी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलर्जीज, एलर्जी। सो एलर्जी किसी भी चीज से, कोई एक एलर्जन अगर आपके पास आता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं धना धन म्यूकस बनाना शुरू कर देते हैं, बढ़ा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई एलर्जन आएगा मैं उसे रोक लूंगा और वो जो है म्यूकस में चिपक के पेट में चला जाएगा। सिंपल सी चीज है, पेट में एसिड है वहां मर जाएगा, वहां पे बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, एलर्जन होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, ना कि वो सांस की नली में चले जाए। सो एलर्जीज का बेसिकली यही होता है। तो नंबर वन रीजन है एलर्जी, जो आपको अवॉइड करने हैं कि आपके कोई ट्रिगर है, धूल मिट्टी है, कोई किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को कुत्ते बिल्ली जानवरों के पास जाने से एलर्जी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहला काम है एलर्जी। दूसरा रीज़न इसका हो सकता है कि किसी किसी के नाक के बीच का जो सेप्टम होता है वो डेविएटेड होता है एक तरफ इधर उधर, तो उससे क्या हो जाता है, एक हिस्सा ही बहुत छोटा हो जाता है, एक हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े हिस्से में ड्राइनेस आ जाती है, छोटे हिस्से में ब्लॉकेज आ जाती है, और इसके वजह से क्या होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप जो है वो जहाँ पर म्यूकस, जहाँ जगह ही नहीं है वो पीछे गिरने लग जाता है, जहाँ ज़्यादा जगह वह ड्राई हो जाता है, जहाँ जगह नहीं है वो पीछे गिरने लग जाता है, पोस्ट नेजल ड्रिप होने लग जाता है। सो एक वो कारण भी हो गया, नेजल डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। उसके अलावा ठंड में सभी के साथ ऐसा होता है, ठंड जब लगती है तो म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है,
और वायरल इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है तो म्यूकस ज़्यादा बन जाता है, साइनसेस में इन्फेक्शन होता है तो म्यूकस ज़्यादा बनता है, ड्राई एयर आती है, गर्म हवा आती है तो म्यूकस, या एसी में भी ड्राई एयर होती है वो अगर आए तो म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, वेदर चेंज होता है तो म्यूकस ज़्यादा, प्रेगनेंसी में म्यूकस ज़्यादा, स्पाइसी खाना खाते समय कैसे नाक से पानी पानी निकल रहा है पानी, वो भी म्यूकस ज़्यादा पैदा करता है। और कुछ दवाएं भी जैसे ब्लड प्रेशर की, बर्थ कंट्रोल पिल्स और कई सारी दवाएं हैं जिनका एज अ साइड इफेक्ट म्यूकस ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और तो और गैस होने से, रिफ्लक्स होने से, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने से भी म्यूकस ज़्यादा प्रेजेंट होता बनने लगता है। इससे एक्सेसिव म्यूकस बनेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऐसा ड्रिप हो सकता है, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ये भी हो सकता है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के वजह से भी म्यूकस आ सकता है और ऐसे पोस्ट नेजल ड्रिप्स के वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी हो सकता है कि पेट में बहुत सारा वो आएगा तो वो आता जाएगा। इस सारे चीज़ों के लिए कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल खतरनाक इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए होम ट्रीटमेंट काफ़ी है। सो यू नीड टू ट्राई एक एक करके चीज़ें, सिंपल सिंपल चीज़ें। अगर दवाई ही की बात करें तो ओवर द काउंटर नेजल डीकंजेस्टेंट होते हैं, जैसे सूडोएफ्रिन, एफ्रीन आता है और सूडोएफ्रिन का स्प्रे आता है जो कि कंजेशन कम कर देगा और पोस्ट नेजल ड्रिप खत्म कर देगा। और आज के रेट में नॉन ड्राउजी, यानी प्रॉब्लम क्या है, जो सूडोएफ्रिन वाले डीकंजेशन है उससे नींद आती है, तो नॉन ड्राउजी वाले एंटीहिस्टामिन्स भी हैं, या सॉरी एंटीहिस्टामिन से नींद आती है, इस ये वाला डालोगे लोराटिडीन प्लस सूडोएफ्रिन कॉम्बिनेशन, वो आप डालोगे अगर, तो फिर आपका पोस्ट नेजल ड्रिप भी ठीक हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगा। दिस इज वेरी मोर इफेक्टिव, खासकर अगर आप पहले कुछ दिन लगते हैं इसको, ऐसा नहीं कि एक डाला और ठीक, दो एक हफ्ता 5-6 दिन लगते हैं इफेक्ट आने में। उसके अलावा जो चीज आप डाल सकते हैं, सलाइन नेजल स्प्रे। सलाइन इज बेसिक नॉर्मल सलाइन, ये खुद ही आपके नेजल पैसेज को नाक में मॉइस्ट कर देता है और सिम्टम्स कम कर देता है। कंटिन्यूसली आप इसको यूज करते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा नेजल स्टेरॉइड स्प्रे भी आता है, फ्लूटिकासोन जैसा, उसको आप डाल सकते हैं। सलाइन इरिगेशन जो करते हैं आयुर्वेदा में, नेटी पॉट्स जल नेति जिसको बोलते हैं, साइनस रिंस करते हैं, वो भी एक्सेस म्यूकस फ्लश कर देगा तो वो भी हेल्प करेगा, याद रखिए। लेकिन अल्टीमेट कारण एलर्जीज, डीएनएस, उसको आपको जो भी कारण है उसको ठीक करना पड़ता है। और अगर आप थोड़ा सा सर को एलिवेट करके सोएंगे, डबल डबल तकिया लेके सोएंगे तो भी आराम से दिक्कत नहीं होती है रात में। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारा पानी पिए, अपने आप को खूब सारा हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर हाइड्रेटेड से प्रॉपर डिस्चार्ज होता रहता है, म्यूकस गाढ़े की जगह थोड़ा पतला रहता है, तो पानी खूब सारा पीना है। और इसमें आप ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर या वार्म पीना है, गर्म पानी नहीं पीना है, नॉर्मल या वार्म। और आप चाय, चिकन सूप या कोई भी सूप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी म्यूकस को पतला करती हैं और हाइड्रेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा याद रखिए 3-4 लीटर पानी या पूरा लिक्विड्स आपने लेना है, पानी नहीं ले सकते हो तो सूप ले लो, जूस ले लो, दही ले लो, लस्सी ले लो, छाछ ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टेक लिक्विड्स, नारियल पानी, नींबू पानी, डजन मैटर, ठंडा ठंडा चिल्ड नहीं लेना है। ये सारे हेल्प करेंगे आपके मॉइस्टन रखने में, डिस्कम्फर्ट रिलीव करने में। अगर आपको लग रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है तो उसके कारण होते हैं, क्या कारण, नंबर वन, अगर आपको बुखार ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको सांस लेने में आवाज़ें आ रही हैं, वीजिंग आ रही है, अगर आपका म्यूकस है उसमें से स्मेल आ रही है, याद रखिए कि नेजल डिस्चार्ज है, नाक से नाक बहना, सामने से बहना या पीछे से बहना, बेसिकली नाक बह रही है, किसी किसी की, बच्चों की, बड़ों की, किसी की सामने से बहती रहती है, वो दिखती है तो आप उसके लिए दवा ले लेते हो, पीछे से बह रही है ये पोस्ट नेजल ड्रिप तो पता नहीं चलता। सो दैट्स द थिंग, राइट। सो दीज आर कैन बी अ सिम्टम ऑफ इवन इन्फेक्शन, कई बार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, उस केस में आपको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ये मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रीन कलर का या येलो कलर का म्यूकस आएगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कलर चेंज आपके बॉडी के अंदर पानी, इम्यून सिस्टम और न्यूट्रोफिल्स वाले एरियाज, उन सारी चीज़ों से मिक्स होके ग्रीनिश कलर आ सकता है, उसका मतलब नहीं है। फीवर आ रहा है और आपका डॉक्टर को लग रहा है कि ये वायरल नहीं, ये बैक्टीरियल लग रहा है, तब वो एंटीबायोटिक देंगे। सबको एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। अगर डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो सर्जरी करा के करेक्ट कर लेने से दिक्कत खत्म हो सकती है। इसको, इस सर्जरी को कहते हैं सेप्टोप्लास्टी, जो करते हैं ईएनटी के आपके डॉक्टर्स।
और कई बार वो आराम से हो जाए। अगर GERD है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स वाली दिक्कत है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है, तो पेट को पूरा ना भरे, एक बार में आधा खाना खाएं, कम खाना खाएं, थोड़े दिनों में आपको दिक्कतें आराम आ जाएगी। याद रखिए, आप अपने एलर्जीज को मैनेज करिए, अपने घर को साफ रखिए, डस्ट फ्री रखिए, मैट्रेस को, पिलो कवर को, घर के अंदर एयर फिल्टर्स को, वेंटिलेटर्स को, एयर कंडीशनिंग को, हीट को, इन सबको सही रखिए, अच्छे से रोज नहाइए, रोज सफाई रखिए, तो पोस्ट नेजल ड्रिप आपको कुछ नहीं करेगा। पोस्ट नेजल ड्रिप एक बिनाइन कंडीशन है, इससे जान नहीं जाती, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के लिए आपके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, 5 दिन हफ्ते में बढ़ते जा रहे हैं, तो ही टेस्ट कराना है, वरना नहीं कराना। बुखार 90% केसेस में आता है, अगर आपको बुखार नहीं है तो चिंता मत करिए, और सिम्टम सांस फूल रहा है तो 1075 पे कॉल करें। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज शेयर दिस वीडियो, दिस टॉपिक, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।